अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे कि आपको हमने लास्ट एपिसोड में भी, अपने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम लेकर आया जाए, ऐसी डिस्कशन आपके सामने रखी जाए कि जो आप ही की सवालों में से हो, जो आप ही के रोज़मर्रा के मामलात जो आपके साथ या हमारे साथ जो फेस आ रहे होते हैं, हमें उसके मुताबिक वो सवाल हो और उसका हम हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमें, हम जिस आप ही के अंदर से किसी ने, हमारे भाई ने ये सवाल पुट किया हुआ है इमिग्रेशन के हवाले से, कि इमिग्रेशन के हवाले से कोई वजीफ़ा, कोई ऐसा हमें तरीका, कोई अमल बताएं कि हमें इमिग्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमने दोबारा से डॉक्टर मौलाना अली फाक साहब को ज़हमत दी है, इस हवाले से वो हमें बताएंगे भी और वजीफ़ा भी बताएंगे और इसका प्रॉपर तरीक़ेकार बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम बहुत अस्सलाम शुक्रिया वरहमतुल्लाह आपने हमें वबरकातुह। टाइम दिया। डॉक्टर साहब, इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे नौजवान परेशान हैं और हमने जो क्वेश्चन इस वक्त मौसूल किए हैं उसमें इस क्वेश्चन को हमने चुना है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नौजवान तबका को बताइएगा। अखिल भाई, ये इमिग्रेशन का इशू नौजवानों में भी है, तालीम याफ्ता में भी है, गैर तालीम याफ्ता में भी है, और उम्र के उस हिस्से के अफराद में भी है जो अब बाहर जाकर उस दर्जे की मेहनत करने के काबिल नहीं नहीं रहे। है लेकिन यहाँ के माशी हालात, यहाँ के अमन के हालात, यहाँ के रोज़मर्रा और सुबह शाम और शब रोज़ ऐसे हैं कि इंसान अमूमन मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो अपनी स्किल बेहतर करें जी अगर जी आप बाहर जाना चाहते हैं। जी आप जी यहाँ से कुछ एम और प्लान और गोल बना के जाएं कि मैंने वहाँ जाकर ये करना है, बिल्कुल करना है। और अगर ये कि जाएंगे, वीज़ा मिलेगा, देखेंगे क्या काम है, क्या होगा, जो होगा हम कर लेंगे, तो भाई जो होगा कर लेंगे, वो तो आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही, वो वाली बातें नहीं रहीं, बल्कि आपको प्लान करके जाना चाहिए। बिल्कुल अब सही। जब अमेरिका का मौसम यहाँ बैठकर दिसंबर का मालूम किया जा सकता है और मई जून का मालूम किया जा सकता है, तो आप वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मालूम करके गूगल से और स्किल को उसके मुताबिक अपडेट करके जाएंगे, आप धक्के खाने से बच जाएंगे। बिल्कुल सही। ये तो वो बात हो गई जो वजीफे से पहले पहले की है। अब रही वजीफे की बात, बहुत सारे दोस्तों ने ये बताया कि जी हमने वीज़ा अप्लाई किया है, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही। बहुत सारी मेरी बहनों ने ये कहा कि मेरा शौहर मुझे बुलाना चाहता है, वो सारी कोशिश और तकोदो करता है, उसके बावजूद मेरा वीज़ा नहीं लगता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमें एक अरसा हो गया, 10-10 साल हो गए अमेरिका की वीज़ा अप्लाई किए हुए, हमारी बारी नहीं आ रही। इसमें बुनियादी बात याद रखें कि आप वीज़ा अप्लाई बाद में करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में होती है, आपके वीज़ा का प्रोसीजर एम्बेसी में बाद में पहुंचता है, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपकी फैमिली में इसकी गूंज और धूम पहले से मची होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये है, सबसे गलत बात है। गलत बात, इससे बाज आ जाएं, नज़र भी इससे लग तौबा सकती कर है। लें। बिल्कुल नज़र लगती है और फलाने का मुंडा जाएगा, मेरा तो गया नहीं, हुंदा किवें जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हसद आ गया, अब हसद आ गया। ये है कि मेरा जाए ना जाए, तेरा नहीं जाएगा, इस पर मैंने पूरा जोर लगाना है, जादू करना है, और कल जब नहीं जा पाएंगे तो उन्होंने ताने भी मारने हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप है। जाना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन और स्किल्स को अपडेट करके जाएं, लेकिन जब तक आपके ये सब काम मुकम्मल होकर आप एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आपके किसी कानो खान भाई दोस्त को आपकी चार दीवारी के बाहर और चार दीवारी में भी उन लोगों को इलम नहीं होना चाहिए जो आपके हामी नहीं है, जो आपका अच्छा नहीं देख सकते, जो बिल्कुल आपको ऐसे ही है, सुखी नहीं देख सकते, खुसूसन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात, नज़र उतारने की वीडियो लिंक पे मैं दे दूंगा, वो लिंक वो आप ज़रूर देखें, नज़र ज़रूर उतारें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जादू का शिकार हैं तो उस जादू से निकलें और उस बंदिश का खात्मा करें जो आपकी फाइल को आगे बढ़ने चलने नहीं दे नहीं रही। दे रही। तीसरी और आखिरी बात, जादू काट लिया, सब कुछ हो गया, अब आयते करीमा का 1.25 लाख का ख़त्म है। आपके बहन भाई, आपके वालदैन, आपके बच्चे, आप और आपकी चार दीवारी के आपसे खूनी रिश्ते के लोग बैठकर आपस में एक मखसूस तादाद तकसीम करके पढ़ना शुरू करें, ये 1.25 लाख पूरा करना है। लेकिन 1.25 लाख पूरा करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले पहले आपका वीज़ा लग जाएगा। इंशाअल्लाह इसको ताला, 1 महीने में करें, इसको 40 दिन में करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तमाम रुकावटें, तमाम बैरियर्स, तमाम पत्थर, तमाम कांटे जो हमारी लाइफ में इमिग्रेशन के हवाले से होंगे,
इन सब का खात्मा हो जाएगा। माशाल्लाह अच्छा। नाज़रीन, आपने सुना कि इमिग्रेशन के हवाले से जो हमें क्वेश्चन मौसूल हुए थे उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने कितना तफसीलन उसका ज़िक्र किया कि ये जो नज़रबद की वजह से भी हो सकता है, हसद की वजह से भी जादू भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से रुकावटें पैदा होती हैं। यकीनन जादू बरहक है, आपको पता है, सबको पता है। तो अगर किसी के साथ इस तरह का मामला है तो डॉक्टर साहब का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहा होता है, डॉक्टर साहब से जादू जिन्नात असरात इसके हवाले से आप कोई भी डॉक्टर साहब की खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल करें, उनसे टाइम लें, मुलाकात करें और जो डॉक्टर साहब ने आयत करीमा का तरीक़ेकार बताया उसको करें। इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला ज़रूर हल होगा। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों का भला करेगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आप ही के किसी नेक्स्ट सवाल के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर।